गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 हिंदी मीडियम। चैप्टर जो आपके पास में है 13 कंप्लीट हो गया था और लेसन नंबर 14 है। 14 में आपके पास में है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। विद्युत धारा मीन्स जितने भी उपकरण अपने घर में यूज होते हैं, घर में या बाहर जो भी यूज होते हैं उसमें विद्युत धारा का प्रभाव किस तरीके से होता है, यानी कि विद्युत जो परिपथ है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो है वो होता है एक तो प्लस और दूसरा होता है माइनस, यानी कि एक धनात्मक सिरा होता है दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। जब इस धनात्मक सिरे को ऋणात्मक सिरे से अपन क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या होता है विद्युत धारा का प्रभाव यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और विद्युत धारा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर प्रभावित होती है। अब आता है जितनी भी अपनी जो बैटरी होती है, चाहे रिचार्जेबल हो या अन्य जितनी भी बैटरियां होती हैं, या विद्युत धारा जो है वो प्रभावित होती है धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर प्रभावित होती है। अब आता है विद्युत धारा जो है इसको प्रतीक के रूप में, तो यहाँ पर देखिए ये जो इस तरीके से ये जो शो अपन ने किया है, ये तो है प्लस और ये है माइनस, यानी कि ये धनात्मक सिरा ये ऋणात्मक सिरा, धनात्मक से ऋणात्मक सिरे की ओर ये विद्युत धारा प्रभावित होती है। अब आता है यहाँ पर इसमें क्या कहा है, विद्युत धारा के प्रति कुछ सामान्य विद्युत अवयवों को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। कुछ विद्युत अवयवों के प्रतीक दर्शाए गए हैं आपको यहाँ पर है। स्विच के लिए ऑन स्थिति अथवा ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाई गई है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऑन और ऑफ स्थिति के लिए ये किस तरीके की युक्ति होती है, जिसमें यहाँ पर क्या होता है इस तरीके का, जब अपन क्या करते हैं कि ये जो स्विच है इसको अपन इस तरीके से ऑन कर दिया यानी कि प्रेस कर दिया तो ये स्विच टच हो जाता है, तो यहाँ पर इसमें क्या होता है विद्युत धारा प्रभावित जब हो जाती है तो ये स्थिति क्या हो जाती है, जो स्विच होता है उसकी ऑन स्थिति होती है। और जब इसको अपन यहां से क्या कर देते हैं पुट, ये तो अपन ने क्या किया ऑन करने पर, ऑफ जब करेंगे तो ये यहां से जो युक्ति होती है यहां से क्या हो जाती है रिमूव हो जाती है, हट जाती है, तो यहां पर विद्युत धारा का प्रभाव जो है वो बंद हो जाता है। अब आता है कि बैटरी क्या हो सकती है, कुछ क्रियाकलाप यानी कि कुछ प्रैक्टिकल अपन देखते हैं, दो या अधिक सेल को एक साथ क्या करते हैं उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेल आपने देखा होगा इस तरीके की युक्ति होती है, सेल इसमें ऊपर का जो टिप होता है ये क्या होता है स्टील का टिप होता है, इस तरीके से ये युक्ति होती है। दो सेलों को जब अपन इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए किस तरीके का परिपथ अपन यूज में लेते हैं वो देखिए, जब विद्युत सेलों को अपन क्या करते हैं जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए ये विद्युत सेल होता है, ये धनात्मक सिरा होता है, ये इसका होता है ऋणात्मक सिरा। यहाँ पर देखिए धनात्मक सिरे को अपन क्या करते हैं, धनात्मक सिरे को ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं और इस धनात्मक को और इस ऋणात्मक को जिसको भी अपन को क्या करना है अटैच करना है उससे अपन क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। आपने सिंपल देखा होगा अपन की जो टॉर्च होती है उसमें क्या होता है दो सेल यहाँ पर अपन क्या करते हैं यूज करते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर क्या होता है ये धनात्मक सिरा ये इसका ऋणात्मक सिरा है, दूसरा सिरा यानी कि दूसरा सेल जब अपन इसको अटैच करते हैं तो ये धनात्मक सिरा हो गया, ये तो इसका हो गया ऋणात्मक सिरा, इसका धनात्मक और इसका ऋणात्मक, तब जाकर के ये विद्युत परिपथ क्या होता है पूर्ण होता है। ये परिपथ या विद्युत परिपथ जब अपन क्या करते हैं ऋणात्मक सिरे को धनात्मक से और धनात्मक को ऋणात्मक से जब जोड़ते हैं तो विद्युत परिपथ क्या होता है पूर्ण होता है। अब आता है विद्युत जो बल्ब होता है अलग अलग युक्तियों को अलग अलग जो है वो संकेतों के द्वारा क्या करते हैं अपन प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग संकेतों को के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ पर है सेल, जो सेल होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए युक्ति होती है ये इस तरीके से, इसको सेल से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत जो बल्ब होता है जिसमें फिलामेंट लगा हुआ होता है विद्युत बल्ब, इसको अपन शो करते हैं इस तरीके से, ये होता है फिलामेंट लगा हुआ होता है यहाँ पर, ये क्या होता है बल्ब, इसको शो करते हैं। आगे आता है स्विच की जो ऑन ऑफ स्थिति होती है, स्विच जो होता है इसकी ऑन ऑफ स्थिति जो होती है इसको अपन क्या करते हैं जो सेफ्टी पिन होती है उसके द्वारा इस तरीके से शो कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है ये दो तार होते हैं इनके द्वारा भी यहाँ पर अगर इस बैटरी को अपन क्या कर देते हैं इससे अटैच कर देते हैं सेल से अटैच कर देते हैं तो इसमें विद्युत का प्रभाव स्टार्ट हो जाता है यानी चालू हो जाता है। आगे आता है स्विच ऑन ऑफ की स्थिति, ये तो होता है किसके लिए स्विच के लिए। आगे आता है स्विच ऑन ऑफ की स्थिति, तो स्विच ऑन ऑफ की स्थिति में
किस तरीके से होता है, इसको अगर यहाँ पर अटैच कर देते हैं कि ऑन की स्थिति है, और जब इसको यहाँ से हटा दिया जाता है तो ऑफ स्थिति में कन्वर्ट हो जाता है। आगे आता है बैटरी, जिसमें बहुत सारे अपन क्या कर देते हैं, अगर सेलों को जोड़ दिया जाता है इस तरीके से, ये सेल होता है इसको अपन इस तरीके से जोड़ दिया, और इस सेल को भी अपन इस तरीके से जोड़ देते हैं, तो ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पर ये प्लस होता है ये माइनस होता है, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए युक्ति होती है इस तरीके से। इस तरीके से अपन ने क्योंकि कई जो सेल है उनको अपन ने अटैच किया है, तब जाकर के परिपथ क्या हुआ है, पूर्ण हुआ है। आगे आता है यहाँ पर ट्रॉट, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है, जिसमें अपन किसी भी तरीके का क्या होता है सेल यूज करते हैं। इनमें विद्युत सेलों को सदैव एक दूसरे के अनुसार इस तरीके से क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है या जोड़ा जाता है। कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे से सटा कर रखा जाता है, तब फिर सेलों को टर्मिनलों को किस प्रकार संयोजित करते हैं। किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखते हैं, इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है जो सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। एक सेल का जो धन टर्मिनल है वो दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, तभी जाकर के परिपथ क्या होता है, पूरा होता है। अगर यहाँ पर अपन ऐसा करें कि इस सेल का धनात्मक जो सिरा है ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, और अगर इसी को यहाँ पर इस तरीके से अगर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ये ऋणात्मक और ये क्या है, धनात्मक है, तो ये परिपथ जो होता है वो क्या होता है, अपूर्ण होता है। इसमें विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता है, इसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। अब आता है बैटरी के साथ में यहाँ पर प्राय में एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है जो सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से क्या करती है, जोड़ती है, तभी जाकर के परिपथ क्या होता है, पूरा होता है। यहाँ पर देखिए आगे बैटरी के क्रियाकलाप अपन देखते हैं, यहाँ पर कई प्रैक्टिकल किए दो या अधिक सेलों की बैटरियां बनाने के लिए सेल होल्डर बाजार से भी अपन खरीद सकते हैं। इसमें सेलों को उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से क्या होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। सेल होल्डर की धातु की दो किलकों प्रत्येक के साथ में तार का एक टुकड़ा संयोजित करते हैं और बैटरी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक जो है वो अपने को किस तरीके से दर्शाया गया है, ये जो होता है इसको अपन इस तरीके से, जैसे यहाँ पर अपन ने लिया अगर कोई बल्ब है तो इस बल्ब को यहाँ पर है और ये होता है इसका ऋण टर्मिनल, यहाँ पर अगर बल्ब है तो ये बल्ब क्या होगा, इससे प्रकाशित हो जाएगा, ये धनात्मक सिरा है ये इसका ऋणात्मक सिरा है, यह धन टर्मिनल और ये क्या है इसका ऋण टर्मिनल है। यहाँ पर जो अपने को बुक में प्रतीक दे रखे हैं उनको भी अपने को जो खाली पेज है किसका रजिस्टर का या साइंस का जो बुक कॉपी है उसमें अपने को क्या करना है, शो करना है। यहाँ पर अपने को जो दिया है विद्युत आवेश और इनके प्रतीक जो है वो आपको शो करना है, जिसमें यहाँ पर इस तरीके से आप शो करोगे विद्युत आवेश और उसके प्रतीक। फर्स्ट जो वर्क होगा यहाँ पर इसको रीड करने के साथ साथ यहाँ पर ये विद्युत आवेश है और इसको आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे, यहाँ पर अपने पास में होगा विद्युत आवेश और इसका प्रतीक, यहां पर दिया है विद्युत अवयव और ये इसका क्या है प्रतीक है। विद्युत अवयव में सबसे पहले अपने को दिया है विद्युत सेल और इस विद्युत सेल में यहां पर अपने को इस तरीके से दर्शाया गया है ये यहां पर धनात्मक और ये क्या है ऋणात्मक। जब अपन इसको दर्शाते हैं तो ये इसका इस तरीके से दर्शाया जाता है विद्युत सेल को। आगे विद्युत बल्ब को जब अपन दर्शा रहे हैं ये क्या है विद्युत बल्ब है, इस बल्ब को यहाँ पर अपन इस तरीके से ये इस तरीके से होता है ये तो विद्युत बल्ब हो गया ठीक है, और यहाँ पर जब अपन इसको इस तरीके से दर्शाते हैं तो ये विद्युत बल्ब का कंप्लीट परिपथ हो गया, तो ये बाकी के जो है वो आपको करना है कॉपी के अंदर। अब आता है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसी का, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में अपने पास में है विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक में क्या करते हैं अंकित करते हैं, संयोजक तार स्विच ऑफ की स्थिति में,
विद्युत बल्ब विद्युत सेल स्विच ऑन की स्थिति में तथा बैटरी। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर वन आप डालोगे और इसका क्वेश्चन नंबर जो है ये तो इसका आंसर है और क्वेश्चन नंबर वन जो है वो राइट डाउन आप करोगे। नेक्स्ट इसके बाद में दर्शाए गए परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ खींचिए। दर्शाए गए परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ अपन खींचते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो परिपथ अपने को दर्शाया गया है उसको दर्शाने के लिए अपन परिपथ को जो है खींचते हैं। तो यहाँ पर एक तो होता है सेल, ये सेल अपने को जो दिया गया है इसको अपने क्या किया है बल्ब से जोड़ा है और बल्ब को एक युक्ति से जोड़ा है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे इसको सेल को शो करते हैं। पहले फर्स्ट जो है ये सेल है अपने पास में, इस सेल को है, तो यहाँ पर अपन इस तरीके से ये हो गया सेल। इसके बाद में अपने पास में यहाँ पर है बल्ब, इस बल्ब को शो किया है और ऑन ऑफ की स्थिति को दर्शाया गया है। यहाँ पर अपने क्या किया है बल्ब है इसको शो किया है इस तरीके से, और इसके बाद में यहाँ पर अपन क्या करते हैं इसको इस तरीके से, ये इसकी हो गई ऑन ऑफ की स्थिति। ये तो हो गया परिपथ, ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि ये आंसर नंबर टू जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू है उसका आंसर है। यहाँ पर ये हो गया बल्ब, ये क्या हो गया बल्ब है और ये ऑन ऑफ की स्थिति है, ऑन ऑफ ये यहां पर होगा, ये विद्युत सेल हो गया। आगे इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चार सेल दर्शाए गए हैं, रेखाएं खींच कर निर्दिष्ट कीजिए कि चार सेलों के टर्मिनल को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। यहां पर फर्स्ट जो अपने पास में है ये दिया है इस तरीके से, अरे ना यहां पर ये तो क्या इसका धनात्मक सिरा है और ये इसका क्या है ऋणात्मक सिरा है। इसी के बाद में यहां पर सेकेंड अपने को दे रखा है ये भी इस तरीके से, ये धनात्मक है और ये इसका क्या है ऋणात्मक सिरा। आगे जो अपने को दर्शाया गया है वो भी इस तरीके से दर्शाया गया है, यहां पर इसका ऋणात्मक सिरा ये धनात्मक सिरा है, और आगे जो दर्शाया गया है वो भी इस तरीके से ये धनात्मक और ये इसका क्या है ऋणात्मक सिरा है। तो यहां पर देखिए इस धनात्मक ऋणात्मक सिरे को धनात्मक से दर्शा देते हैं और इसको अपन अटैच करते हैं इससे, और इस धनात्मक को अटैच करते हैं इस ऋणात्मक से, तो ये कंप्लीट इसका क्या हो जाएगा परिपथ पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये जो है अपने पास में थर्ड। आगे क्वेश्चन नंबर जो चार दिया है इस तरीके से क्या हो गया पूरा परिपथ कंप्लीट हो गया, या तो अपन धनात्मक को ऋणात्मक से शो करें अरे ना और इसके बाद में इसको जोड़ दें, या ऋणात्मक को धनात्मक से जोड़ देते हैं। अगर यहां पर किसी भी तरीके से शो करना है सेल है तो यहां पर देखिए इसको अपन इससे किया इसको इससे अटैच कर देते हैं। अगर यहां पर इस तरीके से इसको कंप्लीट या इस परिपथ से नहीं करते तो दूसरा परिपथ यूज कर लेते हैं जिसमें अपने लास्ट पे शो किया है। यहां पर क्या करते हैं इस धनात्मक को अपन अटैच कर देते हैं, इस धनात्मक को अटैच किया किससे ऋणात्मक से, इस धनात्मक को अटैच करते हैं इस ऋणात्मक से और इस ऋणात्मक को अटैच कर देते हैं इस धनात्मक से, तब जाकर के परिपथ क्या हो जाएगा पूरा। आगे दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं। परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर चार है, यहां पर देखिए ये जो है ऑन ऑफ की स्थिति तो इसने दर्शाई ही है, इस तरीके से दर्शाया गया है और ये जो बल्ब है इसको भी शो इसने किया है, लेकिन इन सेलों का जो है वो धनात्मक सिरा धनात्मक से जोड़ दिया और ऋणात्मक सिरा ऋणात्मक से जोड़ दिया, इसलिए ये बल्ब क्या है दीप्त नहीं हो रहा है। तो यहां पर अपन क्या करते हैं ये जो इसका ऋणात्मक सिरा है ये धनात्मक है ना, अब इसके बाद में सेल को अपन चेंज कर देते हैं, तो ये इसका जो है ऋणात्मक सिरा इस धनात्मक से चेंज हो जाएगा, जब यह अटैच हो जाएगा तो ये परिपथ क्या हो जाएगा पूरा। अब इसमें लिखेंगे परिपथ में आवश्यक क्या का पता लगा सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे परिपथ में बल्ब इसलिए दीप्त नहीं हो रहा है, इसलिए दीप्त नहीं हो रहा है क्योंकि नहीं हो रहा है क्योंकि धनात्मक सिरा धनात्मक से जुड़ा हुआ है, धनात्मक से जुड़ा हुआ है जो
जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद में यहां पर आगे लिखते हैं कि धनात्मक जब धनात्मक सिरे को जब धनात्मक सिरे को ऋणात्मक से जोड़ेंगे, ऋणात्मक से जोड़ेंगे तो परिपथ पूर्व परिपथ पूरा हो जाएगा और बल्ब दीप्त हो जाएगा, बल्ब दीप्त होगा। ये वर्ग क्रम में उठा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ओके।